गुड मॉर्निंग, दिस इज़ प्रमोद जायसवाल फ्रॉम इंग्लिश क्रॉनिकल्स. दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक इज़ वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस फ्रीक्वेंटली कम्स इन SSC, बैंकिंग, CGL, CPO, इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड कैरीज क्वाइट गुड मार्क्स. और इसमें वही है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यू हैव टू ऑप्ट फॉर 1 ऑप्शन. तो आइए डिस्कस करते हैं. पहले जैसा कि मैं पहले भी आपको आइडिया दे चुका हूँ कि पहले नेगेटिव जो है, जिस वर्ड को आप जानते हैं उसे काट के हटा दीजिए, ताकि 4 वर्ड के जगह 2 बचे, 3 बचे या 1 बचे, विच बिकम्स ईजियर फॉर यू टू डिसर्न. तो आइए, विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा दिए या फ्री में अगर कोई चीज़ कराना हो, मिलता हो, तो उसे क्या कहते हैं. तो आइए एक एक करके वर्ड को हम लोग देखते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है. इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना, दिवाला होना जिसको कहते हैं. तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है. वर्थलेस माने किसी काम का नहीं, मिट्टी है, ये भी बेकार हो गया. फैनेटिक मतलब कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ वाइल्ड टाइप का चीज़, उसको फैनेटिक कहते हैं, तो वो भी यहाँ नहीं है. और वॉरियर लड़ाकू है, वो भी यहाँ नहीं है. तो अगर आप मीनिंग नहीं भी जानते हैं, अब जैसे ग्रैटिस माने आप नहीं जानते हैं, ग्रैटिस शेक्सपियर ने भी यूज़ किया था शाइलॉक के लिए. एंटोनियो या बसानियो कहता है कि गिव एम अ हॉल्टर ग्रैटिस, हॉल्टर फांसी का रस्सी होता है, ग्रैटिस माने फ्री में दे दो. तो कभी कभी पढ़ा हुआ चीज़ भी कहीं से कोने से याद आ जाता है. हमें भी उसी वर्ड से याद आया है, ग्रैटिस मतलब फ्री में. तो क्या है, विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट. तो हम आते हैं इस मीनिंग पर, ग्रैटिस. तो क्वेश्चन नंबर सी इज़ द आंसर. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर मीनिंग नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा आइडिया आप अपना दिमाग लगाइए, कोशिश करिएगा, हो जाएगा. आइए सेकेंड वन, वन हु डज गुड टू वंस फेलो मैन, माने अपने दोस्तों के साथ उसकी अच्छाई, उसे फ़ायदा दिलाना, अच्छा कर्म करना. तो देखते हैं कौन सा वर्ड जो नहीं हो सकता है. तो फिलोलॉजिस्ट, अगर आप नहीं जानते हैं वर्ड को, ज़्यादातर वर्ड्स टफ होता है, इवन हम लोग भी सारे वर्ड्स को नहीं जानते हैं, तो हम लोग गेसवर्क करते हैं. जैसे फिलो हो गया फिलॉसफी, और लोगो हो गया लोगोस. जैसे बायोस एंड लोगोस, बायोस एंड प्लस लोगोस, ये लैटिन वर्ड. लोगोस मैंने स्टडी, बायो मीन्स लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ. तो लोगोस यहाँ स्टडी हो गया ऑफ फिलॉसफी. तो द वन हु स्टडीज फिलॉसफी माने एजुकेटेड पर्सन. तो यहाँ एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है. फिलिस्टीन यहाँ हो गया कि अनएजुकेटेड, उल्टा दे दिया. ये भी फिल वर्ड है, फिल फिलॉसफी माने स्टडी से ही रिलेटेड है. फिलिस्टीन मीन्स अनएजुकेटेड. तो ये भी खत्म हो. ओपेक आप लोग जानते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, जो कि जिसमें लाइट आर पार ना हो या दिखाई ना दे, उसे ओपेक कहते हैं. तो ये भी नहीं हुआ. इनफैलिबल, बहुत लोग मीनिंग नहीं जानते होंगे. इनफैलिबल का मतलब होता है फ्लॉलेस, कोई उसमें मिस्टेक नहीं होता है, उसको इमैक्युलेट भी कहते हैं, फ्लॉलेस भी कहते हैं. बहुत सारा वर्ड है, जैसे फ्लॉलेस, FLAW, फ्लॉलेस हो गया, इमैक्युलेट हो गया, इमैक्युलेट. तो ये सब वर्ड्स हम जान के बता रहे हैं कि आप लोग को कल दिन याद आए. तो आप देख लीजिए, ये सब नहीं, ये भी फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलोसफी से ही मर्ज है. एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग या कुछ उस टाइप का, एंथ्रोपोलॉजी से होता है. तो फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी सब ले देकर हम फेलोमेन पर आते हैं. तो वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट उसको कहते हैं, द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब मैनकाइंड मतलब वन हु लव्स फेलोमेन. तो आते हैं हम ये डी के आंसर में, फिलैंथ्रोपिस्ट. अब आइए नेक्स्ट वन, थर्ड वन, अ नेम एज्यूम्ड बाय अ राइटर, माने फॉल्स नेम, उसका असल नाम नहीं होता है. इस ये निक नेम से मत ये करिएगा, निक नेम इज समथिंग एल्स, वो आपका पुकारू नाम. लेकिन अगर ऑथर या राइटर अपना एक झूठ मूठ का नाम रखता है, जैसे साकी आप नाम सुने होंगे, पेन नेम भी बहुत लोग बोलते हैं, और HH मुनरो का नेम है, तो अलग अलग सबका नेम होता है.
तो आइए इसमें देखते हैं, जो लाई मतलब झूठा ये नहीं हो सकता, पोर्टेबल माने किसी चीज को यहाँ से वहां ले जाने लायक ये भी नहीं, एनोनिमस मतलब होता है विदाउट नेम ये भी नहीं हो सकता है, एलिजिबल माने जो सूटेबल है जो फिट है इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ तो वो भी नहीं होता है, तो बचता है स्यूडोनिम। अब जैसे स्यूडो है बायोलॉजिकल टर्म, स्यूडो मीन्स स्यूडोपोडिया, जो बायोलॉजी जानते होंगे वो स्यूडो को भी जानते हैं, लेकिन यहाँ स्यूडोनिम है, निम रेफर्स टू नेम, तो आपको नेगेटिव कर लेने से ईजियर हो जाता है, एंड इससे यू कम टू द कंक्लूजन विच इज द करेक्ट आंसर। तो हम आते हैं स्यूडोनिम पर, ये करेक्ट आंसर है। तो फॉल्स नेम जो अपना एक झूठ मूठ का नाम लिखाते हैं तो उसको हम लोग स्यूडोनिम कहते हैं, ये निक नेम नहीं है, ना ही पेन नेम है, एक पेन नेम भी होता है, तो डोंट कन्फ्यूज विद दोज वंस। आइए नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, मतलब कि स्कैल्प माने चमड़ी, यहाँ हेड हेड पर है बात, तो आइए होरी, होर मतलब ग्रे हेयर्ड होता है, ग्रे हेयर माने ग्रे हेयर का होना, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ नो हेयर का बात हो रहा है, नेकेड मतलब नंगा होता है, तो ये सर का या चमड़ी के लिए नंगापन नहीं होता है, पूरे बॉडी के लिए नेकेड को यूज किया जाता है, जिसको न्यूड भी कहते हैं, NUDE। गॉडी मतलब फ्लैशी शोई होता है, गॉडी मतलब फ्लैशी शोई, तो यहाँ पर वो भी चीज़ नहीं है। पोर्ट्रेट मतलब किसी चीज़ की तस्वीर, ह्यूमन पोर्ट्रेट, वो तस्वीर के गिनती में आती है, तो ये भी हो जाता है। अब आ गए बॉल्ड, बॉल्ड का मतलब होता है जिसके सर पर बाल ना हो, उसे हम लोग बॉल्ड कहते हैं। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि हम नेगेटिव से कैसा ईजिली हम छांटते गए हैं, नो डाउट आपका वर्ड स्टॉक अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियसली सभी जगह तुक्केबाजी नहीं चलता है, कि आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा बहुत सारा, आपका वोकैबुलरी भी आपको इंक्रीज करना होगा, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। ऑब्वियसली हर जगह तो तुक्काबाजी और रेफरेंस तो मिलेगा नहीं कि आप नेगेटिवली लगा कर काट सके। तो आइए नेक्स्ट वन, द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, निद्रा अवस्था में, तो उसके लिए एक वर्ड होता है जो कि अभी हम पहले नहीं बताएंगे, पहले हम लोग अलग अलग वर्ड्स को देखते हैं, तो सोमनैम्बुलिज्म इसको बाद में डिस्कस करते हैं, बहुत टफ वर्ड है इसलिए ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना चाहिए। SADIST सेडिस्ट पढ़ते हैं इसको, सेडिस्ट, जिस इंसान को दूसरे को तकलीफ देने में खुशी होती हो, सैड लेकिन सैडिस्ट नहीं पढ़ते हैं इसको, सेडिस्ट पढ़ते हैं उसको, सेडिस्ट कहते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। सॉलीलॉक भी कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच है ये, स्टेज पर जो अकेला व्यक्ति बात करता है, एक तो कहलाता है मोनोलॉग, वो फॉर ऑडियंस होता है, और एक जो अपने लिए बोलता है, अपने आप में बोलता है, उसे सॉलीलॉक्वी कहते हैं, ये आपको फिगर ऑफ स्पीच है सॉलीलॉक्वी, तो यहाँ ये भी नहीं हुआ। स्टोइक वो पर्सन होता है जिसको न प्लेजर से कुछ मतलब है ना ही तकलीफ से, उसके लिए प्लेजर तकलीफ दोनों बराबर है, वैसे आदमी को हम लोग स्टोइक कहते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। फॉल्ट मतलब जानते हैं गलती, तो ये भी नहीं होता है। तो हम देख लिए कि चार हम रॉन्ग कर चुके हैं, तो बचता है सोमना, तो सोमना वर्ड जो है ये स्लीप से है, तो वॉकिंग इन स्लीप ये वर्ड आता है सोमनैम्बुलिज्म। आइए नेक्स्ट वन, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, मनी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, हाँ जैसे वांटेड में बोला ना, मैं मनी भाई को मानता हूँ, वो कौन है भाई, तो मनी, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे भी याद रख सकते हैं किसी चीज़ को रेफर के, वांटेड फिल्म का सलमान खान, ये डायलॉग बहुत ही मशहूर है, याद रहेगा जिंदगी भर, फॉर द सेक ऑफ मनी आई कैन डू एनीथिंग, वैसे आदमी को क्या कहते हैं, एमेचर कहते हैं किसी भी चीज़ में नौसिखवा, तो यहाँ नहीं है। नोविस भी कहते हैं, NOVICE नोविस, NOVICE नोविस भी कहते हैं, एमेचर भी कहते हैं इसको, अभी मर्सिनरी क्या है बाद में देखते हैं। पेट्रियट आप जानते हैं कि देश भक्त, वॉरियर लड़ाकू, पेनेशिया कहते हैं, ये वर्ड थोड़ा सा अलग तरीके का है, पेनेशिया का मतलब कि आ जाता है कि दैट कैन सॉल्व किसी भी चीज़ जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो यहाँ वैसा भी वर्ड नहीं है पेनेशिया,
एक वर्ड पेनेश होता है, पी ए एन ए सी एच ई, पेनेश मीन्स टिप ऑन द टॉप। पेनेश एक जगह और यूज होता है, इरिटेटिंग साउंड म्यूजिक, अनप्लेजेंट। तो बहुत सारे वर्ड हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग कौन सा वर्ड पे, मर्सिनरी। तो वर्ड मर्सिनरी है, ये लोग इंगेज किए जाते हैं असैसिनेट करने के लिए किंग को, प्रेसिडेंट को, ये लोग इसी में निपुण होते हैं मर्सिनरीज। ज़्यादातर ये छोटा मोटा मर्डर के लिए नहीं पैसा होता है, बड़े तबके के लिए, किंग को, प्रेसिडेंट को, ऐसे लोग को मर्सिनरीज कहते हैं। तो ये बी हो गया। द वायलेशन और प्रोफेनिंग, वायलेशन माने आप रूल्स को तोड़ते हैं उसको वायलेशन कहते हैं, वायलेशन ऑफ द लॉ, वायलेशन ऑफ द रूल। प्रोफेनिंग भी वही चीज़ है कि उसको गंदा करना, बर्बाद करना, ऑफ सेक्रेड थिंग्स। तो सेक्रेड यहाँ पर मेन चीज़ है, इसको याद रखिएगा, फिर हम बाद में इसको रेफर करके हम बताएंगे। सोलम मतलब एस ओ एल ई एम एन, सोलमन नहीं होता है, सोलम इसको पढ़ते हैं। सोलम मतलब होली होता है, तो ये भी नहीं होगा। सेनेक्योर मतलब होता है, सेनेक्योर एक टाइप से नया वर्ड है, सेनेक्योर, जो कि काम तो करते हैं, नो वर्क, लेकिन पैसा पूरा लेते हैं, उसको सेनेक्योर कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यूनानिमस विदाउट नेम, हाँ, तो ये भी नहीं होगा। लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग होता है, लस्ट्रस लिप्स, कोई भी चीज़ शाइनिंग उसको लस्ट्रस कहते हैं। तो बचते हैं सेक्रेड, यहाँ भी सेक्रेड है, यहाँ भी सैक्री है, तो एक कॉम्बिनेशन भी हो गया, सेक्रेड से सैक्रिलेज हो गया, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, सैक्रिलेज। और ये लास्ट वन अब देखते हैं, अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ विमेन, विमेन हो गया, वुमेन का, तो फेमिनिस्ट तो विमेन से ही कनेक्टेड है। कलीग दोस्त को कहते हैं, नहीं होगा। एक्सटेम्पररी स्पीच को कहते हैं, जिसमें हाफ एन आवर या वन आवर टाइम मिलता है प्रिपेयर करने को और फिर स्पीच देना पड़ता है, तो एक्सटेम्पर वो भी नहीं होगा। वुमेनिश यहाँ पे सूट नहीं करेगा, वुमेन लाइक। स्टोइक जो हम आपको बताए थे, द वन पर्सन, द पर्सन हु इज नॉट अफेक्टेड बाई पेन और प्लेजर, वैसे को स्टोइक कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो बचता है फेमिनिस्ट। तो दिस इज द answers ए। तो आई होप आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तरीका। हम चाहते हैं कि आपका वोकैबुलरी भी इससे बढ़े, जो कि दूसरे सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस में वोकैबुलरी काम आता है, सिनोनिम्स काम आता है, एंटोनिम्स में भी काम आता है, तो आपको ऑब्वियसली ये इंक्रीज करना ही होगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी to promote me to go give further। next video में फिर मैं कुछ और discuss करूँगा। thank you, have a nice time।